वेलकम बैक फ्रेंड्स, MLT वर्ल्ड चैनल में आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स MLT, DMLT, नर्सिंग, तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। वो है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट होता है रेड ब्लड सेल से। रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, इसी तरह रेड ब्लड सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। रेड ब्लड सेल्स की जो शेल्फ लाइफ होती है वो तकरीबन 120 डेज होती है, और 120 डेज के बाद वो लिवर और स्प्लीन में जाके वो लाइज हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और कौन से सेल्स हैं जो इनको लाइज या डिस्ट्रॉय करते हैं, वो हैं मैक्रोफेजिस। तो मैक्रोफेजिस जब RBCs को डिस्ट्रॉय या लाइज करते हैं तो उनमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, जो कि रेड ब्लड सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब ये हीमोग्लोबिन कंपोनेंट जो है ये दो पार्ट्स में आगे डिवाइड हो जाता है, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट जो है वो फर्दर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होके बॉडी जो है उनको दोबारा उन अमाइनो एसिड्स के तौर पर उनको यूटिलाइज कर लेती है, इस्तेमाल कर लेती है। अब रह जाता है हीम पार्ट। हीम पार्ट जो है वो बेसिकली वो पार्ट है जो कि बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, या हम कह सकते हैं कि बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म जो है वो हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से स्टार्ट होता है। अब हीम पार्ट जो है वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो आयरन में और दूसरा वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में। जब हीम पार्ट बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन को कैटालाइज करने में जो एंजाइम हेल्प करती है वो है हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम। उसके बाद बिलीवर्डिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में, जिसको हम येलो कंपाउंड भी कहते हैं, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करती है बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। अब ये जो बिलीरुबिन इधर प्रोड्यूस हुई है, ये बिलीरुबिन जो है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होगी। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होती है ये वाटर सोलेबल नहीं होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसको हम इनडायरेक्ट हीम बिलीरुबिन भी बोल सकते हैं। अब बिलीरुबिन जो एक जैसा कि वाटर सोलेबल नहीं होती, इस वजह से इसको एल्बुमिन की ज़रूरत पड़ती है, या एल्बुमिन इसके साथ अटैच होती है ताकि ये लीवर में एंटर हो सके। तो इसको सॉरी लीवर में एंटर होने के लिए जो बिलीरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ बिलीरुबिन, उसको एल्बुमिन की ज़रूरत पड़ती है। एल्बुमिन की मदद से ये जब लीवर में एंटर होती है तो लीवर के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूक्रोनिक एसिड। वो ग्लूक्रोनिक एसिड इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है। अब जो बिलीरुबिन बन गई है वो बन गई है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जिसे हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। अब इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रोड्यूस हुई है, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये वाटर सोलेबल है। इसलिए जब कोई भी हम डायरेक्ट बिलीरुबिन हमें कोई भी हिपैटिक डिसऑर्डर जो है उसको चेक करने में भी मदद करती है। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है टूबाइलरी चैनल से, और फिर ये जाती है ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम से ये पहुंच जाती है कोलोन में। जब ये कोलोन में पहुंचती है तो ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है आगे से फर्दर जो है ये दो कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाएगी। आई होप कि आपको अभी तक लेक्चर जो है वो समझ आ रहा होगा और बहुत ही ईजी भी महसूस हो रहा होगा, और ये हमेशा आपको याद भी रहेगा। अच्छा जी, अब कॉन्जुगेट ये जो बिलीरुबिन है, ये मैंने बताया कि दो पार्ट्स में जो है वो दो कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाती है, यूरोबाइलिनोजन और स्टर्कोबाइलिनोजन। अब ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये थ्रू फीसिस जो हैं एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबाइलिन। इसी वजह से हमारी फीसिस का जो कलर हो जाता है वो ब्राउन या हम येलो ब्राउन या डार्क ब्राउन कह सकते हैं होता है, क्योंकि ये कन्वर्ट स्टर्कोबाइलिन जो है वो इसके थ्रू एक्सक्रीट हो रहा होता है थ्रू फीसिस। लेकिन क्या होता है कि 10 से 15% जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है लिवर के अंदर और किडनी के अंदर। अब 10 से 15% जब लिवर में किस तरह वो एब्जॉर्ब होगी, वो हो जाती है हिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू, एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो 10 to 15% कंपाउंड जो है स्टर्कोबाइलिन का वो लिवर में अब्जॉर्ब हो जाएगा, और रिमेनिंग जो होता है वो किडनी में पहुंच जाता है, और किडनी से में जो है वो यूरोबाइलिन कंपाउंड बन के जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस पॉइंट पे जो है
बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म भी कंप्लीट हो जाता है कि कुछ जो है वो स्ट्रकोबाइलिन बन के एक्सक्रीट हुई और बाकी यूरोबाइलिन बन के जो है वो थ्रू किडनी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत इजी भी लगेगा और समझ भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।